मेरा पूजा देना हो चुका है, मैंने टीका भी। ये केक मैंने मियां मोड़ से खरीदा था, इस केक का नाम है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू अनदर व्लॉग। आई एम शिल्पा, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं तो अच्छी हूँ ही। तो आज है 12 मार्च, आप लोगों को पता है आज मेरा और अजीत का एनिवर्सरी है। तो मैंने कहा था अगले व्लॉग में कि रात 12 बजे मैं उसे विश करूँगी और केक कटिंग करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया वो सब कुछ। मैंने सोचा, पहले सोचा था काट लेंगे, लेकिन वो एकदम मतलब सो गई थी। एक्चुअली मैं खुद ही सो गई थी जब 12:30 बज रहा है, तो तब मेरा नींद खुला, वो भी अरिजीत मुझे विश कर रहा था तब और नहीं हो पाया रात को केक कटिंग करना। फिर मैंने सोचा रात को काट के क्या करेंगे, जब हम लोगों का शादी हुआ था, मतलब टाइमिंग मेरा शाम को शादी हुआ था बहुत जल्दी, तो उसी टाइम पे केक कटिंग करेंगे, इसलिए मैंने भी छोड़ दिया। सोचा कि आज 12 मार्च का जो शाम होगा तब केक कटिंग कर लेंगे। तो अभी तो जस्ट अभी मैं नींद से उठी भी हूँ। आज तो संडे है, हर रोज़ की तरह मैं अपनी दिन शुरुआत करूँगी, मतलब आज मुझे जो जो काम है वो काम करूँगी। और अरिजीत भी ड्यूटी गया है क्योंकि उसको मतलब उसे आज ज़रूरत था, वहाँ पे उसका ज़रूरत है आज, तो इसलिए गया है। वो हाफ टाइम पे आ जाएगा, लेकिन आज गया है, पता है एनिवर्सरी है, लेकिन उसे जाना था और मुझे भी ढेर सारा काम था, तो फिर वो घर पर रह के क्या करेगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं इस बेड को सेट कर लेती हूँ, पूरा घर को सेट करूँगी। और आज एनिवर्सरी है तो ऑब्वियसली नया बेड शीट लगाऊँगी बेड पे। तो चलो आप लोग साथ रहना और देखते रहना मेरे साथ फुल व्लॉग कि आज का दिन मैं कैसे स्पेंड करूँगी। सारे रूम को चकाचक कर लिया है, आप लोगों को दिखाती हूँ। आज नया बेडशीट बिछाया है, वो रहा मेरा रिंग लाइट गिफ्ट। और ये देखो एक गमला फिर से कपड़ा निकल गया। तो पूरे रूम को तो चकाचक कर लिया है मैंने, लेकिन मैंने अभी तक मुंह नहीं धोया है। मैं सोच रही हूँ कि कपड़े सारे भिगो दूंगी, उसके बाद मैं ब्रश करूंगी सोचते। तो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ घर को सेट किया है। मैं एकदम बिखरी सी हूँ, राइट। तो अभी मैं जा रही हूँ सारे कपड़ों को सारे कपड़े को भिगोने के लिए, उसके बाद मैं ब्रश करूँगी। तो कपड़े भिगो लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। फ्रेंड्स, कपड़े खींचने से पहले मैंने सोचा अपना स्किन केयर कर लेना चाहिए क्योंकि बाहर धूप है, तो अभी स्किन केयर कर ले रही हूँ।
के आ चुकी हूँ और बाल भी धो लिया है मैंने, आप लोग देख सक रहे हैं। अभी मैं जाऊंगी पूजा देने के लिए, तो अर्जित आ ही रहा है, अर्जित ने कहा वो आ जाएगा, तो इसलिए मैं अभी जाऊंगी उसके साथ पूजा देने के लिए हम लोग यहाँ का फेमस सरमंगला मंदिर। तो उसका वीडियो में इस वीडियो में रहेगा कि हम लोग जा रहे हैं, वहीं पे जाके भी हम लोग वीडियो करेंगे और वहाँ पे जाने के लिए पूजा देने जाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने एक रेड कलर का साड़ी ले लिया है। ये बाई कलर में है, मतलब आधा वाइट वाइट है और आधा ऐसे रेड होगा। तो ये है मेरा साड़ी, तो मैं झट करके रेडी हो लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, वो आ जाएगा। तो रेडी होके फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अर्जित गया है नहाने के लिए, वो घर आ चुका है, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ एक चीज़। यहाँ पे अर्जित के लिए एक चीज़ खरीदा है और ये उसका गिफ्ट है, तो उसे नहीं पता है मैंने उसके लिए ये खरीदा है, तो वो आता ही होगा। नहाने गया है, वो आके देखेगा, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। उसके लिए मैंने ये खरीदा है, बहुत छोटा सा चीज़ है लेकिन खरीदा है, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। तो आप लोग देखते रहना, साथ रहना, ओके। देखो देखो बेबी। सो फ्रेंड्स, मैंने अरिजीत को ये वाला टी शर्ट और कानों में जो पहना है ना, ये वाला दिया है। ये है बेबी, हैप्पी एनिवर्सरी अगेन। कत बड़ो कूटे गो तुम्हें, आई लव यू तो बोलो। हम लोग जा रहे हैं अभी पूजा देने के लिए, तो मंदिर पे पहुंच चुके, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं मंदिर। अंदर जाने से पहले हम लोग यहाँ से प्रसादी खरीद लेंगे, फिर अंदर जाएंगे। तो हमारा प्रसादी खरीदना हो चुका है, अब अंदर जाके पूजा दे देंगे। हम लोग आए हैं बर्धमान के स्पेशल सर्वमंगला मंदिर। चलो फटफट कुछ चले जाए, हटहट करे, हटात हटात कमी दी चो। सो फ्रेंड्स, ये है वर्धमान का स्पेशल सर्वमंगला मंदिर, यहाँ पर अरिजीत बैठा हुआ है। आप लोगों को सर्वमंगला मंदिर का चारों तरफ आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आप लोग देखते रहना पूरा वीडियो। यहाँ पे मैं सर्वमंगला मंदिर का फुल वीडियो दूंगी कि अंदर से कैसा देखने में होता है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा गार्डन भी है, बहुत शांतिपूर्ण जगह है। मेरा पूजा देना हो चुका है, मैंने टीका भी लगवाया है और प्रसादी कहाँ गया मेरा, हाँ रहा मेरा प्रसादी। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे बैठेंगे, फिर घर जाएंगे, तो जाने के टाइम पे आप लोगों के साथ मिलती हूँ। यहाँ पे देखिए अरिजीत कितना भक्ति से प्रणाम कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के उसे। और मंदिर से हम लोग सीधा आ गए हैं मम्मी के पास खाने, अखनो रॉन्ग लेगे। तो मम्मी ने हम लोगों को कोक पीने के लिए दिया है। तो फ्रेंड्स, मंदिर से गई थी मम्मी के पास, आप लोगों को दिखाया, फिर घर वापस आ गई हूँ। और घर आके मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है, थोड़ा बहुत रील्स बनाया और ड्रेस चेंज कर लिया है अभी। और अभी हो गया है खाने का टाइम, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, तो चलो आप लोग मेरे साथ, ठीक है। तो लंच पे आज है मटन और भात, मैं खा लेती हूँ फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, खाना खाना हो चुका है और खाना खाने के बाद मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, सब कुछ उठा दिया है और अभी मैंने थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, मतलब सोऊंगी। तो सो के उठ के फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ, और कहाँ जाऊँगी वो आप लोग देखते रहना।
कहीं तो जाऊंगी, अगर नहीं गई तो भी मुलाकात होगी, अगर गई तो ऑब्वियसली होगा ही। तो मिलती हूँ शाम को, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नींद से उठ गई हूँ और देखिए चारों तरफ अंधेरा भी हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा छत पे आई थी तो नींद से तो उठ चुकी हूँ और मैं अभी जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, मुंह धोऊंगी और रेडी होंगी। अभी शाम हो चुका है और अभी केक कटिंग होगा। अरिजीत को अभी तक नहीं पता कि मैंने केक लाया है, तो खैर छोड़िए, मैं रेडी होने जा रही हूँ। रेडी होके फिर उसे कहूँगी कि केक कटिंग होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए और शाम को क्या प्लान है ये अभी तक नहीं पता। हम लोगों का पहले प्लान था खाना खाने जाएंगे कहीं पे, लेकिन अभी मूड नहीं हो रहा है जाने का, मतलब पेट भरा भरा सा लग रहा है, तो नहीं भी जा सकते हैं। और अगर मूड चेंज हो गया तो जाएंगे भी, नहीं पता अभी एग्जैक्ट क्या करेंगे। लेकिन अभी मुँह धो के फ्रेश होके रेडी होके अभी तो फिलहाल केक कटिंग होगा, तो मैं रेडी हो लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं मैंने साड़ी पहना है फिर से। तो अभी है केक कटिंग टाइम, इसलिए मैंने ये टूल लेने के लिए नीचे रूम पे आई हूँ और ये टूल लेके मैं जा रही हूँ ऊपर सजाने के लिए। तो चलो आप लोग मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे केक रेडी कर लिया है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये केक मैंने मियाँ मोड़ से खरीदा था, इस केक का नाम है रेड वेलवेट केक। देखने में तो अच्छा है, ये हार्ट शेप का है इसलिए मैंने लिया था, आज एनिवर्सरी है तो ये एकदम परफेक्ट केक रहेगा इसलिए। और यहाँ पे सब कोई बैठे हुए हैं, पापा जी, मम्मी जी, सब कोई बैठे हुए हैं। और अभी बारी है अरिजीत को बुलाने का, तो चलो हम लोग अरिजीत को लेके आते हैं, ठीक है। तो चलो हमारे साथ। चलो केक कटिंग हो बेटा। केक कटिंग हो चुका है, अब केक डिस्ट्रीब्यूट की बारी है, तो चलो केक डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। सब में तो केक डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और अभी बारी है मेरे खाने की। तो ये रहा मेरा केक, बहुत टेस्टी है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों का केक कटिंग तो हो चुका है, कहा था कि बाहर जाएंगे लेकिन अभी बाहर जाने का और मूड नहीं है, पेट भी भरा हुआ है तो खाने जाने का कोई मतलब ही नहीं होता पेट अगर भरा हुआ है। तो आज कहीं और नहीं जाने वाली हूँ, घर पे ही रहूँगी, ऐसे ही नॉर्मल टाइम स्पेंड करेंगे हम दोनों और कुछ नहीं होने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज का वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। आज के लिए टाटा, गुड नाइट।